ये राइट इशू क्यों कंपनी लाती है और कैसे राइट इशू काम करता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज राइट इशू। अब राइट इशू क्या होता है, ये इनविटेशन होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को टू परचेज एडिशनल न्यू शेयर। कंपनी में जब पैसे की नीड होती है, कंपनी को जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी क्या करती है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कहती है कि आप हमारे से ये शेयर्स परचेज कर लो और हमें इस बदले में पैसे दे दो। आप इन्वेस्टर जो होगा वो कहेगा मेरे को अगर शेयर्स परचेज करने मार्केट से ले लूंगा, मैं आपसे क्यों लूं। तो इस बारे में कंपनी कहती है कि जो इस टाइम मार्केट का प्राइस चल रहा है हम उससे आपको सस्ते शेयर देंगे। तो काफी सारे इन्वेस्टर यहां पर राइट इशू को बाय कर लेते हैं। आगे हम बात करेंगे व्हाई वुड अ कंपनी इशू अ राइट शेयर। अब क्या रिक्वायरमेंट आ जाती है कंपनी को राइट इशू लाने की। कंपनी इसको राइट इशू इसलिए लेके आती है जब उनको कैपिटल की जरूरत होती है, जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करनी होती है, जब उनको अपना डेट क्लियर करना होता है, जब उनको कभी कभार ऐसी भी प्रॉब्लम आ जाती है कंपनीज के साथ कि मार्केट से पैसा रेज नहीं हो रहा, मार्केट से कोई भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पैसा रेज नहीं हो रहा, तब कंपनी राइट इशू लेके आती है। पर हर एक राइट इशू बेकार नहीं होता, कभी कभार बड़ी बड़ी कंपनीज भी राइट इशू लाती है, जो कि आज हम देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज राइट इशू लेके आ रही है। अगर हम बाकी राइट इशू देखें तो काफी सारी राइट इशू जो आते हैं वो उसके बाद कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो राइट इशू से भी नीचे चला जाता है, तो प्रॉब्लम बहुत होती है। तो ये चीज को हमें बड़ा देखना होता है, पर फिर भी यहाँ पर काफी बड़ी कंपनीज भी राइट इशू लेके आती है और उनके राइट इशू भी काफी सक्सेसफुल होते हैं। तो अब हम समझेंगे कि राइट इशू लाने का जो मेन रीजन होता है ये होता है कि डेट को क्लियर करना या कंपनी को पैसे की जरूरत है, कंपनी को अपने पैसे से आगे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं कि राइट इशू कंपनी लेके आती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाउ राइट इशू वर्क। अब इसको हम इस एग्जांपल को ना आज के रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो राइट इशू का वो है ना उसी के थ्रू समझेंगे। अब समझते हैं कि एक इन्वेस्टर है जिसके पास इस टाइम 150 शेयर्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज के। ठीक है, अब वो जो शेयर है ना वो ट्रेड कर रहा है लगभग 1464 रुपीज में। ठीक है, इन ऑर्डर टू रेज मनी, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को यहाँ पर पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बोला हमें 53,125 करोड़ यहाँ पर रेज करने हैं थ्रू राइट इशू। तो अब उन्होंने क्या कहा फॉर करंट इन्वेस्टर, जो उनको करंट इन्वेस्टर्स को क्या कहा कि हम आपको यहाँ पे 1257 रुपीज में शेयर देंगे इन द रेशियो ऑफ 1:15। मतलब अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के 15 शेयर है तो आप 15 शेयर पे एक शेयर ले सकते हो 1257 पे। तो अब जैसे कि इस इन्वेस्टर के पास 150 शेयर्स हैं, तो यहां पर जो इन्वेस्टर है 150 शेयर्स के अकॉर्डिंग 10 शेयर बाय कर सकता है एट अ रेट ऑफ 1257। तो टोटल उसका जो अमाउंट होगा वो होगा 12,570 रुपीज। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये जाता है हमारे को डिस्काउंट मिलता है टोटल 2,070 रुपीज का फ्रॉम इट्स करंट प्राइस 14,067 रुपीज। तो ये इसकी कुछ कैलकुलेशन होती है, इस तरीके से राइट इशू जो है काम करता है। आप आई होप कि आप इसमें समझ गए होंगे कि राइट इशू कैसे काम करता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। हमारे साथ ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें।